भारत बंद के साथ अशोकनगर शहर का अगर हालात देखे जाएं तो यहाँ भी बंद लगभग 100% या उससे भी ऊपर है। लोग छोटी छोटी चीज़ों को लिए भी तरस गए हैं। शुरुआती दौर में जो 10 बजे का समय है, हमने उस इलाके से जो है शुरुआत की है, जो चुंगी नाका है, गुना नाका जिसे कहा जाता है, उस इलाके की अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ बंद है। छोटी छोटी जो पान की या चाय की होटल या घुमटियाँ हैं वो तो बंद हैं, साथ बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान और दूसरी दुकानें भी इस दौर में बंद हैं। पूरा ये इलाका और इसके बाद ईसागढ़ रोड का अगर इलाके की भी बात करें तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर बंद का असर ना दिख रहा हो। लगभग सभी दुकानें लटकी हुई हैं, उनमें ताले पड़े हुए हैं। इसके अलावा गिने चुने लोग इस इलाके से जा रहे हैं। प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं मुस्तैद कर दी हैं। अधिकारी इस समय चारों तरफ घूम रहे हैं और बंद की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेता रमेश नायक जी कैमरे के सामने आए, जरा देखिए वो किस तरह की बात करते हैं। जो आज अशोकनगर में बंद है, आप तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो इस बंद को लेकर आपकी क्या जो है सोच? ये ऐसा मामला देश के सामने आया है जो भारत सरकार की देन है, और इसमें मिल बैठ करके ऐसा भारत सरकार की देन, आपके कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेता ही में टपटपा रहे थे वहां, तो भारत सरकार की देन इसलिए है जल्दबाजी में जो कानून आया, आप विरोध क्यों नहीं कर पाए उसका? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, रिजेक्ट किया था, उस सुप्रीम कोर्ट में आप ये जोड़ देते हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सही किया था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं किया था, उसमें जो धारा उन्होंने विरूपित की थी उस धारा को यथावत आप कर देते, आपने नई धारा जोड़ के। तो आपके सांसद वहाँ बैठे थे, आपके सांसदों ने क्यों आपकी बात का समर्थन नहीं किया? सांसदों के सामने ये बात ही कहाँ आई है, आपने जो कानून एकदम ला के खड़ा कर दिया वहाँ, मतलब आपके सांसदों को पता ही नहीं था कि ये कानून जा रहा है, ये धारा जोड़ रही है उसमें? कानून आया, मेरी बात सुनिए आप, ये वो पार्टी है जिससे मैं संबंधित हूँ। महात्मा गांधी ने अपना जीवन हरिजन बस्ती या मंदिर में रुकने में, चलो ये सब चीज है, ये बताओ आज का बंद अशोकनगर का कैसा है? आज के बंद के बारे में तो हम घूम के आ रहा हूँ, मैं क्या टिप्पणी करूँ, बाजार में घूमा नहीं हूँ। कहीं कुछ खुला दिख रहा है, कुछ मिल रहा है? नहीं, मैं जहाँ स्टेशन जहाँ खड़े हो आप, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ ऐसा माहौल है, रोज खड़े रोज ऐसा माहौल होता था क्या? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी पूरे शहर को घूमता हुआ सब्जी खरीदने गया था, सब्जी मंडी में देखा कि कोई सब्जी वाला नहीं बेच रहा, होटलें सारी बंद हैं, नाश्ते की दुकानें बंद हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा बंद आज से पहले कभी नहीं देखा, और स्वेच्छा से बंद है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका कोई समर्थन नहीं कर रही, इसके बाद भी जनता ने अपने स्वयं विवेक से ये बंद किया। आपके जो प्रतिष्ठान है, पेट्रोल पंप वगैरह, वो बंद है सब? बिल्कुल सारे बंद।